एक कुम्हार मटका बना रहा है और मटके को बनाने के लिए वो कितना वैल्यू ऑफ इनपुट का इस्तेमाल कर रहा है, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, और वो खुद कितनी मेहनत कर रहा है, उसकी वैल्यू एडिट क्या है। इस मटके के एग्जाम्पल के सहारे हम करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, यानी कि वैल्यू एडिट मेथड इसको बोल सकते हैं, वैल्यू एडिट मेथड, प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड हम करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं वैल्यू एडिट मेथड के साथ। इसको मैं सेफली रख देता हूं, ये रख दिया। चलिए जी, तो आज हम करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड। यहां पे मेथड का नाम लिख देते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ये करने वाले हैं। इसका एक नाम और भी है, आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड, दो नाम है एक्चुअली। तो इसी को बोलते हैं स्लैश आउटपुट स्लैश प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ये जी हो गया। तो शुरुआत एग्जाम्पल से करते हैं। तो हमारे साथ हैं, जो एग्जाम्पल में हमारे भाई साहब हैं, उनका नाम है करण कुम्हार। करण करण भाई साहब हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, करण कुम्हार। करण कुम्हार मटके बनाते हैं जनाब, मटके बनाते हैं। तो इन्होंने बनाए, देखिए ये बनाया इन्होंने मटका, एक, दो, तीन, तीन मटके बनाए उन्होंने। अच्छा, दो मटके उनके पास पहले से थे, यहां बना देते हैं, दो मटके पहले से थे उनके पास, एक और एक, दो, दो मटके पहले से हैं। तीन मटके अभी बनाए हैं, दो मटके पहले से हैं। अब इसमें क्या किया उन्होंने, एक मटका, ये जो मटका था, ये अपने खुद के यूज के लिए रख लिया। अपने घर में भी तो इस्तेमाल करेंगे ना, पानी पिएंगे घर में, भैया मटका बनाते हैं तो अपने घर में भी इस्तेमाल करेंगे। इसे बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। दो मटके उन्होंने बेच दिए, सेल हो गई, सेल, दो मटके बेचते सेल हो गई। और जो दो पहले से रखे थे, पुराने मटके जो थे, जो पहले से रखे थे, जो बिके नहीं थे, ये अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज कॉल्ड अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, या कह सकते हैं इनको चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है भाई। ये है सारा मामला, ये सब है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी समझाता हूं, बस एक मिनट मुझे दे दीजिए आप, कि वैल्यू एडिट मेथड के लिए अगर आपको करना है तो आपको पांच चीजें निकालनी पड़ेगी। यहां लिख देते हैं नंबर वन, फाइव स्टेप्स लिख देते हैं यहां पे, फाइव स्टेप्स, पांच स्टेप आपको इसके करने पड़ेंगे। नंबर वन, आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, इसे प्यार से बोलते हैं वीओ, वीओ। नंबर दो पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट, इसे बोलते हैं वीआई, दैट इज कॉल्ड वीआई, वैल्यू ऑफ इनपुट। नंबर तीन पे निकालेंगे जीवीएएमपी, जीवीएएमपी, जो बराबर होता है जीडीपीएमपी के। नंबर चार पे निकालेंगे एनवीएएफसी, एनवीएएफसी, जो बराबर होता है डोमेस्टिक इनकम के, डोमेस्टिक इनकम के बराबर होता है डोमेस्टिक इनकम। और उसके बाद नंबर पांच पे निकालेंगे हम एनएनपीएफसी, दैट इज नेशनल इनकम, दैट इज नेशनल इनकम। इन पांच तरीकों से, मतलब पांच स्टेप से, ये हमारा पूरा, जो दिखने में बड़े बड़े स्टेप्स हैं, ये पांच स्टेप हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर वन वीओ, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसका मतलब है कि भैया कितने, कितनी वैल्यू, मतलब कितने वैल्यू का आउटपुट जनरेट किया है कुम्हार भाई साहब ने। ये उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, सेल, चेंज इन स्टॉक,
प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, इन तीनों को मिलाने से बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट वीओ। तो फॉर्मूला क्या हुआ, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक प्लस जो खुद के लिए यूज किया है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, इसको भी लिख देते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है भाई, कितना सिंपल है, इसे निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट वीओ बोलते हैं। अच्छा, इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पॉइंट्स टू रिमेंबर यहां लिख लेते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर वन, जो सेल दी हुई है ना आपको, ये जो सेल है ये कैसे निकालेंगे, सेल निकालेंगे डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, इस तरीके से निकालेंगे डोमेस्टिक सेल, जो इंडिया में माल बेचा वो और जो एक्सपोर्ट मतलब विदेशों में माल बेचा वो, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी तो निकलेगी सेल, डोमेस्टिक सेल इंडिया में माल बेचा, एक्सपोर्ट विदेश में माल बेचा, ऐड करके निकलेगी सेल। नंबर दो, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ये हमने एक्सपेंडिचर मेथड में भी किया था, चेंज इन स्टॉक, इसको अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं, ये निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये लो जी ये भी हो गया हमारा। नंबर थ्री, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बात ये है कि अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो भाई साहब खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, अगर गिवन है तो लेंगे, नहीं गिवन है तो नहीं लेंगे। तो ये ऑप्शनल होता है, दरअसल फॉर्मूले में भी इसका यूज ऑप्शनल होता है, तो यहां पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, तो इफ इट इज नॉट गिवन इग्नोर इट, इफ इट इज नॉट गिवन, नॉट गिवन इग्नोर इट, इग्नोर इट, वेरी सिंपल। इट का मतलब यहां पे ये, इट का मतलब है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ओके, बहुत बढ़िया, तो पहला स्टेप हमने कर लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट का, अब हम करेंगे दूसरा स्टेप वैल्यू ऑफ इनपुट, वीआई बोलते हैं इसको प्यार से, वीआई वैल्यू ऑफ इनपुट, इसका मतलब यह है कि कुम्हार ने मटके बनाने के लिए किन किन इनपुट्स का यूज किया है, रॉ मेटेरियल, किस किस रॉ मेटेरियल का यूज किया है, वो उसने खरीदा होगा ना भाई, रॉ मेटेरियल वो खरीद के लाया होगा, तो रॉ मेटेरियल इनपुट है, वो क्या क्या है उसके बारे में बताते हैं हम। तो वैल्यू ऑफ इनपुट जो है उसके अंदर आता है इंटरमीडिएट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट गुड्स, कई बार इंटरमीडिएट कॉस्ट वर्ड यूज कर लेते हैं, कई बार इंटरमीडिएट परचेज यूज कर लेते हैं, है ना, कई बार इंटरमीडिएट कंजप्शन यूज कर लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इंटरमीडिएट वर्ड जरूर आएगा, ये इंटरमीडिएट वर्ड जरूर आएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाए, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाए, इंटरमीडिएट परचेज हो जाए, इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाए, इन सब का मतलब यह होता है कि इनपुट कितना यूज किया है। अब देखो इसमें कितने सारे इनपुट लगे होंगे, एक तो मिट्टी, क्ले, भाई उसमें कुम्हार ने क्ले खरीदी होगी पहली बात, दूसरा पानी लगा होगा बनाने के लिए, पानी लगा होगा, तीसरा कई बार जो है चित्रकारी करते हैं मटकों के ऊपर, जो है वो रंग बिरंगे मतलब रंग बना देते हैं, पेंट वगैरह, कई बार मटकों के अंदर टूटी लगा देते हैं, टूटी मटके को खोलो और वहां से पानी निकलेगा, वो सब का सब है वैल्यू ऑफ इनपुट रॉ मटेरियल, वो सब वैल्यू ऑफ इनपुट के अंदर आएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, कई बार क्या होता है, वैल्यू ऑफ इनपुट जो है, कई बार हो सकता है कि मटकों को बनाने के लिए कुछ ऐसा सामान हो जो कुम्हार ने विदेश से मंगाया हो, विदेशों से इंपोर्ट किया हो, तो वो भी इसमें ऐड होगा, लेकिन वो तभी होगा जब वहां लिखा होगा कि डोमेस्टिक मार्केट से इतना माल लिया है, इंपोर्ट इतना है, क्लियर कट मेंशन होगा कि डोमेस्टिक मार्केट से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इतनी है, तो उसमें हम इंपोर्ट ऐड कर देंगे, जैसे हमने यहां पर डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट ऐड किया था, सेम टू सेम यहां पर मामला ऐसा रहेगा। तो उसको लिख देते हैं जरा एक बार, वैल्यू ऑफ इनपुट, पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखते जरा यहां पे पहले, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू
रिमेंबर वो ये है कि वैल्यू ऑफ इनपुट, कई बार ऐसा होगा कि जो वैल्यू ऑफ इनपुट है वीआई है वो निकलेगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। साफ साफ यहां लिखा है डोमेस्टिक मार्केट, रॉ मटेरियल डोमेस्टिक मार्केट से खरीदे तो प्लस कर देंगे यहां पे हम इंपोर्ट, इंपोर्ट प्लस करेंगे, इंपोर्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है भाई, ये इंपोर्ट लिखा है और ये क्वेश्चन में गिवन होगा और यहां डोमेस्टिक मार्केट लिखा होगा तो इसको एड करके बन जाएगा वीआई। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ठीक है भाई, एक शायद क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर पावर चार्जेस दिए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जो सामान बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है वो दिया होगा, तो वो भी वैल्यू ऑफ इनपुट में ऐड हो जाएगा, यहां पे ऐड हो जाएगा वैल्यू ऑफ इनपुट में, यहां पे ऐड कर देंगे उसको। जैसे ये ऐड किया है ना, ऐसे पावर चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहां पे ऐड कर देंगे, इतनी सी बात है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, दो पॉइंट हमने कर लिए यहां पे। अब तीसरा पॉइंट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, तीसरा पॉइंट है ये जीवीएमपी, जीवीएमपी इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड इसको बोलते हैं। अच्छा, जी का मतलब यहां पे ग्रॉस, वी का मतलब वैल्यू, ए का मतलब एडेड, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट की इसकी प्राइस क्या है वो है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि भाई ये बताओ, कुम्हार ने इनपुट खरीदा था, आउटपुट उसने प्रोड्यूस किया है, तो उसने अपनी कितनी वैल्यू ऐड की है मटका बनाने के लिए। भाई मिट्टी से मटका बनाया है, तो खुद का भी तो कुछ उसने, अपना भी तो उसने कुछ वर्थ यूज किया होगा, है ना। वो जो उसने खुद की मेहनत का इस्तेमाल करके मटका बनाया उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, उसने कितनी वैल्यू ऐड की है मिट्टी में कि वो मटका बन गया है। सिंपल सी बात है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसको निकालना बहुत ही सिंपल है। वीओ माइनस वीआई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, ये लो जी बन गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट को करेंगे जीवीएमपी निकलेगा, इसे वैल्यू एडेड बोलते हैं। ये वो वैल्यू है जो कुम्हार ने खुद ऐड की है इस पूरे प्रोसेस में, अपनी वर्थ ऐड की है। ठीक है, ये वाली बात है। तो ये हो गया आपका जीवीएमपी। ठीक है, ये जी का कोई खास मतलब है नहीं, ग्रॉस होता है इसका मतलब। कई बार वो यहां पे भी जी लगा देते हैं, जीवीओ बोल देते हैं, कई बार यहां पे जी लगा देते हैं, जीवीआई बोल देते हैं, इन सबका एक ही मतलब होता है, ग्रॉस में वैल्यू निकल रही है। ओके फाइन, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नंबर थ्री हो गया, फोर पे चलते हैं। नंबर फोर है आपका एनवीएफसी, एनवीएफसी, एनवीएफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ये डोमेस्टिक इनकम होती है हमारी, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये है हमारी डोमेस्टिक इनकम। और इसे करना बहुत इजी है, जीवीएमपी, जीवीएमपी में से माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन और माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये है मामला सारा। ये हमने एक्सपेंडिचर मेथड में भी किया था, अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो एक्सपेंडिचर कराया था उसमें भी हमने ये किया था कि जीवीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। कई बार ये बताना जरूरी हो जाता है बच्चों को कि जो जीवीएमपी है ये जीडीपीएमपी के ही बराबर होता है, दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है भाई, तो ये निकल गया। अच्छा, इसमें भी दो तीन बातें ध्यान रखनी है आपको। एक ये कि जो डेप्रिसिएशन है ना, इसका एक बहुत ही पॉपुलर नेम है जो हर क्वेश्चन में दिया होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, तो इसका नेम याद करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है भाई, दिख नहीं रहा आपको ये शायद, ठीक है फाइन, कोई बात नहीं, इसको हम यहां लिख देते हैं ना, ये अगर नहीं दिख रहा है आपको तो यहां लिख देते हैं, यहां पे काफी जगह खाली है तो यहां लिख देते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहां लिख देते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको, पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर एक, डेप मतलब डेप्रिसिएशन, इसका जो अदर नेम होता है
वो होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये नाम होता है इसका, डैप का। अच्छा जी, नंबर दूसरा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको एनआईटी बोलते हैं। एनआईटी ये कैसे निकालते हैं? एनआईटी निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है भाई, ऐसे निकालते हैं एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। बहुत सिंपल, निकालेंगे यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका एनवीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। और 90% क्वेश्चंस जो इस मेथड के होते हैं, 90% बल्कि 95 कहूंगा मैं तो, उन सब में यही तक निकालना पड़ता है, एनवीएफसी डोमेस्टिक इनकम तक ही निकालना पड़ता है बस। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में वो नेक्स्ट स्टेप भी पूछ लेता है, नेशनल इनकम। तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला कि इसमें आपको एनएफआईए ऐड करना है बस। तो कहां लिखें ये पूरा यहां पे आ जाएगा, आ तो जाएगा, ठीक है। नंबर 5 लिखते हैं यहां पे एनएनपीएफसी, इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है एनवीएफसी प्लस एनएफआईए, ठीक है भाई। एनएफआईए के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले दोनों मेथड में। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से आने वाली इनकम, जो इनकम विदेशों से इंडिया में आती है उसे बोलते हैं एनएफआईए। एनएफआईए को जब ऐड कर देंगे एनवीएफसी तो आ जाएगा एनएनपीएफसी। ये हुआ आपका पूरा मेथड वैल्यू एडेड आउटपुट प्रोडक्ट मेथड जिसे बोलते हैं। 5 मेथड मतलब 5 स्टेप्स हैं इसके, ये हमने डिटेल में कर लिया है आपका आपके लिए। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है भाई, पूछ लेना, सजेशन दे लो तो भी आप सजेशन दे सकते हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। इसके 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जस्ट इससे अगली वाली वीडियो में, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा उस वीडियो में। तब तक के लिए भैया थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, नए हैं भाई चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी एप्रिसिएशन हमें बहुत मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।